गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो कि ऐसे टॉपिक के ऊपर आधारित है जो हमने पहले कर लिया है जी, लेकिन उसके बारे में विस्तृत रूप में समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने टेंस पढ़े थे, आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं कि किस टेंस का किस सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको टेंथ और प्लस टू में या प्लस वन में करेक्ट फॉर्म्स भरनी आती है किसकी, वर्ब्स की। उसमें बहुत से स्टूडेंट से गलती होती है क्योंकि वो उस टेंस में या फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म नहीं भर पाते किसकी, वर्ब की, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता किस स्थिति में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मतलब कि किस सीक्वेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है किस टेंस का। अब तक हमने ये पढ़ा है कि कौन सा टेंस कैसा होता है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या रोल होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि भी किस टेंस का कब कब किन किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम शुरुआत फर्स्ट टेंस से करेंगे, सिंपल प्रेजेंट से, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोला जाता है। उसके स्टेप वाइज हम प्रेजेंट करते चलेंगे, चार टेंस जो आपको पहले कराए थे, और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए फ्यूचर का भी कवर करेंगे। एक चीज और फायदा होगा इस टेंस का आपको, क्या कि जो स्टूडेंट्स हमारी टेंस की कक्षाओं में नहीं जुड़े थे उनके लिए हम टेंस का टॉपिक डिटेल में रिवाइज करते चलेंगे। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट की जब बात करेंगे तो उसके रूल्स को हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसकी सिचुएशंस को, वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो उसके रूल्स को करेंगे और फिर उनकी सीक्वेंसेस, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टेंस की सीरीज में जो सबसे पहला टेंस आता है जिसको बोला जाता है क्या, सिंपल प्रेजेंट। क्या बोला जाता है, सिंपल प्रेजेंट। यहां पे मैं आपको बता दूं जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसी को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोला जाता है। तो पहली बात तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट कहीं पे मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ही पता होना चाहिए कि निकनेम है या अन्य नाम है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं या सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा है कि भाई जो ता है, ते है, ती है इत्यादि जब आते हैं किसी वाक्य के अंत में वर्ब के, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, कब, अगर हमें ही, शी, इट नाउन दिया होता है। इसके अलावा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डज का प्रयोग किया जाता है, और यू, वी, दे के साथ या आई के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, और इंटरोगेटिव में उनके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ये तो रहे उनके बेसिक रूल्स, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है इस टेंस की, किन किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए, पहली कंडीशन जो होती है इस टेंस के लिए वो क्या होती है कि इस टेंस का प्रयोग हम किन चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं। सिंपल प्रेजेंट के लिए अगर हमें किसी वाक्य में स्थायी कार्य दिया गया हो, स्थायी कार्य मतलब परमानेंट वर्क, परमानेंट वर्क या एक्टिविटी कह सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य,
या यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर सिद्धांत, या जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। इसके एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑयल floats on water। देखिए present indefinite tense के लिए जो पहला नियम है या पहली जो सिचुएशन है कि भी क्या क्या चीज present indefinite tense में simple present में शो की जाती है, क्या चीजें होती है, स्थाई कार्य जो permanent works होते हैं, activity जो लगातार चलती रहती है या स्थाई होती है, बदलती नहीं है, ठीक है। या फिर आपको उस वाक्य में बताया गया हो चिरंतन सत्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, सूर्य चंद्रमा बारिश इत्यादि जो आकाश ये सब क्या है, इनसे रिलेटेड चीजें जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। आप उसमें अपने मन से कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ऐसे वाक्यों को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल जो होते हैं, एक तो बेटा ध्यान देना प्रिंसिपल कंफ्यूज वर्ड है क्योंकि आधे सिद्धांत वाले प्रिंसिपल में इसको करते हैं प्रिंसिपल, जो कि गलत है। आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इस प्रिंसिपल पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि क्या है आपका यहाँ पे सिद्धांत के लिए, तो इट मींस पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल। तो जो सिद्धांत इत्यादि जो होते हैं उनको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन सारी बातों को आप इन एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यू कैन नॉट चेंज दिस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। भी क्या ट्रूथ है कि भी जो पृथ्वी है वो चारों ओर घूमती है, किसके, सूर्य के। ये एक ब्रह्मांड की सच्चाई है जिसमें मैं आप या कोई भी परिवर्तन नहीं करता, जिसके कारण इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में शो किया गया। अब आप देखिए कैसे सिंपल प्रेजेंट का आपको पता चला कि भी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे हम बात करें तो क्या क्या चीज सीख रहे हैं, एक तो दो आर्टिकल है आपके, एक अर्थ और एक सन। आर्टिकल में आपका जो टॉपिक आएगा आप उसमें समझोगे द आर्टिकल का जो प्रयोग है या दी आर्टिकल, जब वोवल साउंड होती है तो उसको दी पढ़ा जाता है, टीएच को, अन्यथा द पढ़ा जाता है, जो आप आर्टिकल के टॉपिक में आगे डिस्कस मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि दो चीजें, दो ग्रहों के बारे में बताया गया, अर्थ और सन के बारे में, जिसके कारण प्लैनेट्स के साथ कभी भी आप आर्टिकल लगाते हो तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द आर्टिकल किसके लिए होता है, एक वस्तु को दिखाने के लिए। तो पृथ्वी है यहाँ पे, अर्थ नहीं है बल्कि अर्थ है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म थी यहाँ पे मूव, मूव के साथ आपने एस लगा दिया तो वो बन गया मूव्स, क्या बन गया, मूव्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। अब ये सिंपल प्रेजेंट में क्यों है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हमें दर्शा रहा है। तो याद रखना है हमें कि जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बननी आए, अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है तो आप उस वर्ब को फिलअप जब करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में कंटिन्यूस में नहीं, परफेक्ट में नहीं, बल्कि उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है, पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं, हमेशा सिंपल
इनडेफिनेट में या प्रेजेंट है इनडेफिनेटली, ठीक है। वैसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हो सकता है कोई ईमानदार हो या न मिले, डजंट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सिद्धांत हो सकता है व्यक्ति के जीवन का, या आप इसे एक चीज और बता सकते हो, ये प्रोवर्ब है आपकी, क्या है, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब कहावत, कि भाई ईमानदारी जो होती है वो अच्छी चीज होती है, लेकिन इसमें ये रेगुलरिटी नहीं है कोई फॉलो करे या ना करे, लेकिन ये प्रोवर्ब है और व्यक्ति के जीवन का सिद्धांत भी मिल सकता है। तो इसको सिद्धांत तो आप नहीं कह सकते, प्रोवर्ब या मुहावरे के तौर पर कह सकते हो, लोकोक्ति के तौर पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिसके कारण इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो किया गया है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये थोड़ा सा आपका साइंस से रिलेटेड है क्योंकि ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, आग तभी जलेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, सिद्धांत है दोनों चीजों का। वैसे ही आपको बताया गया कि जब पानी में हम तेल को डालते हैं तो पानी के ऊपर पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, तेल होता है। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, आपको पता चल गया वर्ब के साथ आपने एस का प्रयोग किया जिसके कारण ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये वाक्य किस पे आधारित है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है जिसको सिंपल प्रेजेंट में शो किया गया है। तो पहली बात हमारी सिंपल प्रेजेंट के बारे में क्या होगी, कि भाई हमें प्रोवर्ब दी हो या हमें सिद्धांत दिए बता, सिद्धांत के बारे में किसी सेंटेंस में बताया गया है, या हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया गया है, या किसी परमानेंट एक्टिविटी या काम के बारे में बताया गया है, तो उसके लिए हमेशा सिंपल इंडेफिनिट या सिंपल सिंपल इंडेफिनिट का प्रयोग या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेकेंड टर्म क्या होगी सिंपल प्रेजेंट के लिए, देखिए
हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सेकंड टर्म या सेकंड कंडीशन होनी चाहिए जिसके कारण आप सिंपल इंडेफिनिट में वाक्य को शो कर सकते हैं, वो क्या है? स्वाभाविक सॉरी जो स्वाभाविक हैबिचुअल हैबिचुअल नियमित रेगुलर या बार बार रिपीट जिस चीज को किया जाता है उन कार्यों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। फिर से बता दूं आपको, जो स्वाभाविक किसी के कहने से नहीं तुरंत खुद के भाव या नेचुरल हो, खुद से उत्पन्न हो, नियमित जो रेगुलर निरंतर चलते हो या बार बार जिनको रिपीट किया जाता हो, ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, माई ग्रैंड फादर गेट्स अप अर्ली एट गेट अप अर्ली एवरी डे एट 5 o'clock, कि मेरे जो दादाजी हैं गेट्स अप, अब आपको पता चल गया गेट्स अप मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रतिदिन उठते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो ये आपका टेंस जो है दो सीक्वेंसेस में चलता है, किसमें चलता है? दो सीक्वेंसेस में, या तीनों कंडीशंस आपकी सेंटेंस में फिट बैठती है। कैसे? माय फादर गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock, मेरे जो दादाजी है वो प्रतिदिन 5 बजे उठते हैं, ये स्वाभाविक भी हो सकता है, एक्चुअल है, उस चीज के वो आदि है, नियमित रेगुलर उठ रहे हैं, नियमित एवरीडे मतलब प्रतिदिन वो हो रहा है, उस चीज को दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन होगी रिपीट, कि वो बार बार उस काम को दोहरा रहे, मतलब प्रतिदिन वो 5 बजे उठ रहे हैं, जिसके कारण इसको सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया। दूसरे देखिए, ही नेवर स्मोक्स, वो कभी धूम्रपान नहीं करता। अब इसमें बात करें तो बार बार रिपीट होने वाले इस बात को नहीं दोहरा सकते, क्यों? क्योंकि अगर वो स्मोक करता है तो आप ये कह सकते हो कि रिपीट कर रहा है उस बात को, दोबारा बार बार दोहरा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो स्मोक तो करता ही नहीं है, तो ये क्या है, उसकी स्वाभाविक आदत है, हैबिचुअल हैबिट है उसकी, वो स्मोक नहीं करता है, जिसके कारण इसको ही नेवर स्मोक्स, ही सिंगुलर हुआ, स्मोक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस लगा दिया, स्मोक्स बन गया, ही नेवर स्मोक्स। I like to watch movies. अब ये हो सकता है आपका नियमित रूप में, क्योंकि वो उसको रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, आप उसको रेगुलर नहीं बोल सकते, हो सकता है वो किसी फिल्म को देखने जाए या न जाए, रेगुलर मीन्स कंटिन्यूटी में बिना टूटे हुए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आई लाइक टू वॉच मूवीज, मेरे को अच्छा लगता है फिल्में देखना, ये जरूरी नहीं है कि वो हर फिल्म को देखने जाए, हो सकता है उसे कई बार समय न लगता हो, लेकिन फिल्म देखने को वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है या उसको दोहरा रहा है, जिसके कारण इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में शो किया गया है। आगे चलते हैं, जो थर्ड कंडीशन है आपकी,
हाँ भी। तो अगली कंडीशन देखिए कि सिंपल इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए। अगर किसी वाक्य में ह्यूमन मानव फीलिंग्स, मानव की जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस जज्बात या मेंटल एक्टिविटी जो हमारी मानसिक गतिविधि है, मानसिक रूप से जो क्षमता है, उसको अगर किसी वाक्य में दर्शाया गया है तो उसके लिए सिंपल इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माय मदर थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, ये एक माता की क्या है, इमोशंस हैं। आप इसको कह सकते हो ह्यूमन फीलिंग्स भी है, ह्यूमन फीलिंग्स भी है कि भाई मानव से संबंधित इमोशंस जो है या भावनाएं जो है कि वो आपने सुना भी होगा इंग्लिश में कहावत है, देयर इज वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड एंड एवरी फादर एंड मदर इट हैज। इस संसार में केवल एक ही अच्छा पुत्र है और वो हर माता पिता के पास होता है। अर्थात बेटा चाहे कितनी भी गलती करके आए, माता की नजर में वो हमेशा सही होता है, माता उसको सही मानती है। जैसे आपके सामने है, माय मदर थिंक्स, मेरी माता सोचती है आई एम ऑलवेज राइट, कि मैं हमेशा सही हूं। तो ये क्या हुए, एक माता की फीलिंग्स हुई, भावनाएं हुई या इमोशंस हुए, उसके जज्बात हुए, जिसके कारण आपको इस सेंटेंस में थिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया गया। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ऑलवेज ऑलवेज मतलब वर्ब नहीं है, ये हमेशा के लिए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, शी हेट्स टू टेक बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड आप सबको मालूम होगा, खाया भी होगा आपने, जिसको बोला जाता है क्या, करेला। क्या बोला जाता है, करेला। और करेला कैसा होता है, काफी कड़वा होता है। और ही शी लड़की है, सिंगुलर है, जिसके कारण हेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग। अब ये कैसे पता चला, फील, आप कोई चीज खाते हो मीठी है या कड़वी है, आप उसको महसूस करते हो, तो ये फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके उसको सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया। अब वी लव अवर मदरलैंड, इसमें मातृभूमि भी हम प्यार करते हैं, इसको हमारी मातृभूमि को, तो इसको शो किया गया सिंपल में, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वी आपका प्लूरल हुआ, जिसमें लव के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये जुड़ा हुआ था वाक्य, सिंपल इंडेफिनिट में बना। क्यों, क्योंकि ये जुड़ा है किससे, इमोशन से और मानवीय भावनाओं से। भावना आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग, कोई हो सकता है एक आधा जो देश से प्रेम न करे, गद्दार हो, लेकिन ये जुड़ा किससे है, इमोशन से या जज्बात से। तो आप यहां तक हमने जो टॉपिक किया है, जिस पीरियड में हमने डिस्कस किए तीन कंडीशंस जो सिंपल प्रेजेंट के लिए आवश्यक हैं, पहली चिरंतन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ से हैबिचुअल हैबिट्स जो आपकी वो हैं, और प्रिंसिपल सिद्धांत इत्यादि जो हैं, उनको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में आपने जाना कि जो हमारी रिपीटेड आदतें होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, रिपीटेड आदतें होती हैं, जो स्वाभाविक होती है, ठीक है, उनको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा ह्यूमन फीलिंग्स, जो हमारे जज्बात है या जो हमारी बौद्ध कार्य है, उनको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, जिनके कारण आप जो इंडेफिनिट टेंस हैं उनकी सिचुएशंस को और डिटेल में समझ सकेंगे। मैंने इनको दो छोटे छोटे रूप में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटी कक्षाओं के भी टेंस के सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मैं इनको दो वीडियोज में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका आधा टॉपिक आज सिंपल प्रेजेंट का कवर हुआ, अगले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट का बचा हुआ टॉपिक और उसका ब्रीफ स्केच कवर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में, जिसमें हम जो बाकी बचे हुए सिचुएशंस हैं सिंपल प्रेजेंट की, उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है, आपको पढ़ाया है, वो समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी रही हो, आप उसे मेरे सामने कमेंट करें, लिखें, ताकि मैं भविष्य में सुधार कर सकूँ। और अगर आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।